वेल हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बॉलीवुड दिस वीक। वेल फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं ऋतिक रोशन की फिल्म सुपर 30 के 13वें दिन के यानी कि डे 13 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में इन द कंट्री ऑफ इंडिया। वेल फ्रेंड्स, बहुत कम ऐसी फिल्में रहती है जिनका जो दूसरे हफ्ते का बिजनेस है वो एज इक्वल टू द फर्स्ट वीक का बिजनेस रहता है। यहाँ सुपर 30 के केस में भी वही हो रहा है। अब आप थोड़ा कन्फ्यूज हो रहे होंगे, डोंट बी कन्फ्यूज। अगर मैं स्क्रीन काउंट्स को इक्वलाइज कर दूं, यानी कि अगर मैं फिर से दूसरे हफ्ते में उसके फर्स्ट हफ्ते के जितने स्क्रीन काउंट थे यानी कि 3,300+, तो गाइज ये कलेक्शन उसी प्रकार के है। फर्क इतना ही है कि दूसरे हफ्ते में इसके पास सिर्फ 2200 स्क्रीन्स है, टिकट के भाव वीकडेज में कम है, इसीलिए कलेक्शन इतना आ रहा है, वरना उतना ही आता जितना लास्ट हफ्ते के वीकडेज में आया था। अगर मैं आपको कहूं कि सुपर 30 की जो ट्रेंडिंग है वो इस साल की बड़ी बड़ी फिल्में, चाहे वो भारत हो, गली बॉय हो, केसरी हो, इन सबसे अच्छी चल रही है, देन गाइस डोंट बी सरप्राइज। कल रात को ही मैंने आपको डंके की चोट पे कहा था कि मैं प्रेडिक्शन फॉर सुपर 30 ऑन इट्स डे 13 विल बी 3,10,00,000 से लेके 3,25,00,000। मैंने पहले, इससे पहले कोई भी फिल्म के लिए 15,00,000 की विंडो नहीं रखी है, स्पेशली 13वें दिन पे। एंड गाइस प्रेडिक्शन वॉज बैंग ऑन। इस फिल्म ने अपने 13वें दिन पे 3.16, यस फ्रेंड्स, सुपर 30 है स्मैश्ड 3.16 करोड़ ऑन इट्स 13th डे। लगातार पिछले 3 दिनों से 3 करोड़ के नीचे नहीं गिर रही है फिल्म, यानी कि इतनी खतरनाक ट्रेंडिंग इस फिल्म दिखा रही है। एंड गाइस, मैंने जैसे आपको कहा था, इट्स ऑन द वॉल्स, राइटिंग इज ऑन द वॉल्स के 14वें दिन पर यानी कि आज 14th डे इसका, ये फिल्म कल जो कमाएगी वो तकरीबन 3,02,00,000 या 3,03,00,000 के आसपास ही कमाएगी। एंड गाइस, बात करें इसके तीसरे हफ्ते की, तो अगर ये मिनिमम 1,000 स्क्रीन भी लेकर जाएगी, जो कि लेकर जाने वाली है, देन कहीं ना कहीं संडे दिस गाइज विल बी एमिंग फॉर एन 8-9 करोड़ मार्क। यस फ्रेंड्स, और ये होने वाला है, और इसी कारण हमको पता भी नहीं, और 13 दिन में सुपर 30 110.68, यस फ्रेंड्स, सुपर 30 स्मैश्ड 110.68 करोड़ इन जस्ट 13 डेज एट द इंडियन बॉक्स ऑफिस, नाउ इज सर्टिफाइड ऑफिशियल हिट। ओके गाइस, सो आई होप आज का एपिसोड आपको पसंद आया हो। एपिसोड पसंद है तो क्या करना है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर नहीं करोगे तो तुम्हारी बीवी को चुम्मा ले लें। ओके, एज ऑलवेज, स्टे कूल मैन।